चयनित शिक्षक संघ करेरा के द्वारा आज विधायक प्रागीलाल जाटव को दिया ज्ञापन। शिक्षक भर्ती 2018 का मुद्दा विधानसभा में उठाने संबंध में ज्ञापन दिया गया। विधायक ने समस्त चयनित शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि मैं आपकी मांग को पूरी दमदारी के साथ विधानसभा में उठाऊंगा और प्रश्न लगाऊंगा। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। आप धरना करेंगे तो मैं भोपाल चलूंगा, आपकी हर मदद करूंगा। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं। आप धरना करेंगे तो मैं भोपाल चलूंगा, आपकी हर मदद करूंगा। शिक्षक भर्ती सितंबर 2018 में निकाली थी, लेकिन भाग्य की बात यह है कि लगभग 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं और अभी तक चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। अभ्यर्थी संपूर्ण प्रदेश में कई बार धरना ज्ञापन आंदोलन कर चुके हैं, परंतु फिर भी उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार कोरोना एवं कोर्ट का हवाला देकर पल्ला झाड़ देती है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में यही सारी समस्याएं रहते हुए अक्टूबर में ही 70,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। फास्ट समाचार के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो आपने विधायक जी को ज्ञापन दिया, वो किस संबंध में दिया है? सर, हमने आज विधायक जी को हमारी शिक्षक भर्ती के संबंध में ज्ञापन दिया है। हमने उनसे विनती की है कि आप विधानसभा में हमारी इस मांग को रखें, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी शिक्षक भर्ती के संबंध में, जो कि 3 साल से पूरी नहीं हुई है, उसको हम विधानसभा में उठाएंगे, आपकी मांग रखेंगे। हमारा जो है मामला 3 वर्ष पुराना है। 2018 में शिक्षक भर्ती निकली थी, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। हमने सभी जगह ज्ञापन दिए, निवेदन किया, आंदोलन धरना सब कुछ किया है, परंतु अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारे करहरा के कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जी जाटव को हमने ये ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग रखेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन लगाएंगे। हम 30,000 परिवार चयनित शिक्षक उनके, इसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।